नमस्कार। आज हम छोटे बच्चों के लिए घर पर ही डायपर बनाएंगे। मार्केट में मिलने वाले डायपर काफी महंगे होते हैं और इन्हें एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, इन्हें हम फेंक देते हैं। और इन्हें ज्यादा यूज करने से बच्चों के रैशेस पड़ जाते हैं। तो आज हम घर में पड़े बेकार पुराने कपड़ों से बच्चों के लिए सॉफ्ट डायपर बनाएंगे, जिसे आप धोकर बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डायपर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने पुरानी कुर्ती में से इस तरह से कपड़े का पीस कट किया है। लेंथ है इसकी 18 इंच और विड्थ है इसकी 17 इंच। और इसी साइज का मैंने एक पेपर कट किया है। पहले कटिंग हम पेपर पे करेंगे, उसके बाद कपड़े पे करेंगे। तो कपड़े को अलग हटा देते हैं। देखिए विड्थ इसकी 17 इंच है और लेंथ इसकी 18 इंच है। अब यहाँ से हम इसे सेंटर से फोल्ड कर देंगे बराबर। अब सबसे पहले हम इस तरह से यहां तक 6 इंच भी निशान लगाएंगे। अब देखिए इसका हम सेंटर करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे इसे और यहां पे एक सेंटर भी निशान लगा देंगे। अब इसे खोलेंगे, ये देखिए सेंटर पर हमने निशान लगा दिया। अब यहां से हम 3 इंच नीचे की तरफ एक लाइन खींच लेंगे सीधी। अब यहां से भी हम नीचे की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए अब यहां से हल्की सी गोलाई दे देंगे इसे। गोलाई को कट कर लेंगे। देखिए अब देखिए इस सेंटर के निशान से अंदर की तरफ हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहां तक खींच देंगे सीधा। अब देखिए इस निशान को हम यहां तक मिला लेंगे गोलाई देते हुए। अब इस यहां से हमें यहां तक भी गोलाई देनी है। देखिए अब यहां से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहां से भी हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। गोलाई देते हुए कट करेंगे इसे यहां से। ये देखिए अब देखिए हम इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे और उसमें हम निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इसे हटा देंगे, निशान हमने लगा लिए। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे अलग रख देंगे। अब देखिए पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए जिससे बच्चों को चुभे ना। अब देखिए इस पेपर को इसके ऊपर रख के इसमें भी निशान लगाकर इसे भी कट कर लेंगे। देखिए एक पीस हमने पॉलीथीन में से भी कट कर लिया है। अब इसे भी अलग रख देंगे। अब देखिए फिर से पेपर लेंगे, इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम नीचे की तरफ 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए अब इस निशान को इस तरह सीधा खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे एक तरफ रखेंगे। अब एक कपड़ा हमने और लिया है, ये देखिए लेंथ है इसकी 20 इंच और विड्थ है इसकी 17 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे सेंटर से। अब इस पीस को लेंगे, इसे फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे। ये बंद साइड है दोनों की, कपड़े की भी और इसकी भी, इस तरह से। अब देखिए जहाँ से पेपर है यहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, कपड़े में निशान लगाएंगे। देखिए अब यहाँ से हम इस तरह निशान लगा लेंगे इसके। अब इसे हटा देंगे, इसे कट कर लेंगे। इसे कट कर लिया हमने, इसे अलग रख देते हैं। इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह।
इस तरह रखेंगे, बंद साइड की तरफ बंद साइड रखेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, इसे सीधा खींच लेंगे। अब हम इसमें निशान लगा देंगे, अब इसे कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीस हमने कट कर लिए हैं। अब सबसे पहले इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एक बार, फिर एक बार फोल्ड करेंगे, और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे भी इसी तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों की किनारी मोड़ते हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लिए। अब इसे एक साइड रखेंगे। अब सबसे पहले इसे लेंगे, कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर इसे लेंगे इस तरह रखेंगे, उल्टी साइड इसके ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह, फिर इसे रखेंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा कपड़ा इसके ऊपर आएगा इस तरह। अब पॉलीथीन लेंगे, इसे भी इसके ऊपर बिछाएंगे बराबर इस तरह से। अब देखिए हम इसे ऑल पिन लगा के चारों तरफ से सेट कर लेंगे, जिससे कि जब हम सिलाई करें तो पॉलीथीन हिले ना। इसमें सबसे पहले पिन अप कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे टांके लगा सकते हैं इस धागे से। देखिए इसके चारों तरफ हमने ऑल पिन लगा के तीनों पीसेस को आपस में अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से 3 इंच पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से, ऑल पिन निकालते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। इसके चारों तरफ हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, इस निशान तक। इतनी जगह हम खाली छोड़ देंगे, इसमें हम सिलाई नहीं करेंगे। इस निशान तक चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इस निशान से इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक इस निशान तक सिलाई लगा ली है, इतनी जगह हमने खुली छोड़ दी है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे, हल्के हल्के से कट लगा लेंगे चारों तरफ से। अब देखिए हम यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी तरह यहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी तरह इस तरफ भी नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए एक इलास्टिक लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इस तरह नापेंगे इस निशान तक, यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब इसे डबल करेंगे बराबर, और यहाँ से भी इसे कट कर देंगे। देखिए इस प्लास्टिक को लेंगे, इस निशान पे इस तरह रखेंगे, खींचते हुए सिलाई करते जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके जोड़ लेंगे। इसी तरह इस प्लास्टिक को भी इस निशान से यहाँ तक इस निशान तक खींचते हुए सिलाई करके जोड़ लेंगे। देखिए प्लास्टिक को खींचते हुए हमने इस निशान से इस निशान तक सिलाई कर ली है, इसी तरह इससे भी इस निशान से इस तरह यहाँ तक खींचते हुए लास्ट की पे सिलाई कर लिए। अब देखिए हम यहाँ से इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी तरह यहाँ से भी 4.5 इंच पे हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लास्टिक ले लिया मैंने, इसे डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह कट कर लेंगे, एक लास्टिक अलग रख देंगे। इसे लेंगे, इसे भी इस निशान से खींचते हुए इस निशान तक सिलाई करके जोड़ लेंगे। देखिए इसमें भी हमने इस निशान तक लास्ट को खींचते हुए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे इसे यहाँ से। देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है, देखिए अब इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे पे एक सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने बंद कर दिया है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे लास्टिक लगी हुई है, तो लास्टिक से नीचे लास्टिक को छोड़ के इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरह से घुमाते हुए एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ पर भी लास्टिक है, तो लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, नीचे नीचे इस तरह सिलाई लगाते हुए चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। प्लास्टिक की जगह छोड़ते हुए हमने देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे,
इधर सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। अब देखिए मैंने एक वेलक्रो ली है, ये देखिए इसकी लेंथ है 5 इंच। अब इसे अलग कर लेंगे, एक पीस लेंगे, इसका भी सेंटर करेंगे। अब इस निशान को इस सेंटर के निशान से मिलाएंगे इस तरह से, और इसके चारों तरफ इस तरह घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे जोड़ देंगे इसमें। देखिए वेलक्रो के चारों तरफ सिलाई लगाकर हमने इसे जोड़ दिया है। अब इसका दूसरा पीस लेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसे कट कर लेंगे। अब इसे पलटेंगे। अब देखिए इसका एक पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे और चारों तरफ सिलाई करके यहाँ पे जोड़ देंगे। दूसरा पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे और चारों तरफ सिलाई करके इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए वेलक्रो के दोनों पीसेस हमने सिलाई से यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसका सेंटर नापेंगे, प्लास्टिक से छोड़ के नापना है हमें। यहाँ से भी प्लास्टिक को छोड़ना है। यह है 4.5 इंच। अब इसे एक तरफ रख देंगे। अब देखिए मैं एक पुरानी टी शर्ट ले रही हूँ, इसकी जगह आप पुराने टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, पुरानी बेडशीट ले सकते हैं, या कोई भी कॉटन का पुराना मोटा कपड़ा ले सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से इसे कट कर लूँगी, इसे कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ 4.5 इंच में निशान लगाएंगे, पूरे में 4.5 इंच में निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। इसे अलग रख देंगे। अब इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे जहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब इसे एक तरफ रखेंगे, इसे फिर से लेंगे। विड्थ तो हमने इसकी नाप ली थी 4.5 इंच, इसकी लेंथ नहीं नापी थी, तो यहाँ से इसकी लेंथ नापेंगे। यह है 11 इंच। अब देखिए यहाँ से नापेंगे, 11 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसे कट कर लेंगे, इसे अलग रख देंगे। टी शर्ट को फिर से लेंगे। अब इसी साइज का एक पीस और कट कर लेंगे, ये देखिए। अब देखिए इसके चारों तरफ हम इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर इसे जोड़ देंगे, फिर इसके सेंटर में भी इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब इसे लेंगे, इसे इसके अंदर इस तरह डालेंगे। इसे इसके अंदर हमने डाल दिया है। देखिए डायपर बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, ये देखिए। इस तरह से आप घर में पड़े बेकार पुराने कपड़ों से, मार्केट से भी अच्छा डायपर बना सकते हैं। रेडीमेड डायपर हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, लेकिन इसे आप बार बार धोकर यूज़ कर सकते हैं।